अब इमरान खान साहब ने अड्याला जेल में बड़ी अहम तरीन गुफ्तू की है और ये सबसे इंपोर्टेंट गुस्तु जो खान साहब ने की है और ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है समी इमरान साहब जिस तरह से रिपोर्ट करते हैं, वो आपके रख देते हैं। बाकी बहुत सारे लोग और रिपोर्ट कर रहे हैं करें। बहुत सारी जानी खबरें अप्रूव करवा टिकट टेलीविजन पर चलवाए जाते हैं और उन्हें मर्जी की खबर बनाया जाता है समी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने पूरी कौम को कहा है कि तेरह अगस्त की रात पी और पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलने की कॉल दे दी है इमरान खान ने कहा कि स्वामी जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम ने पीटीआई के खिलाफ सारा प्रोपेगंडा मुस्तरद कर दिया है इमरान खान के जेल में गुफ्तु यानी तेरह अगस्त की रात को जिस दिन चौदह अगस्त होनी है रात बारह बजे के बाद तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे लेकर बाहर निकले और हकीकी आजादी के हवाले से आप बातचीत करें इमरान खान ने कहा कि जनाब जब उनसे सवाल पूछा गया डीजीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जहां पर उन्होंने कहा कि नौ मई के ऊपर हमारे क्लियर कट स्टांस है स्टेटमेंट है खान साहब ने कहा कि डीजीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब इस तरह से दूंगा कि आ, मैं फौज से बात इसलिए करना चाहता था इमरान खान ने कहा कि बल्कि अगर फौज नहीं बात करना चाहती तो ना करें मैंने तो पाकिस्तान की रोज बर रोज बिगड़ती सूरत हाल की वजह से कहा था कि मुल्क क्रिएट कर रहा है कोलैब्स कर रहा है हालात खराब होते जा रहे हैं मैंने इसलिए कहा था कि बातचीत करें या बैठकर सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़े अगर नहीं बात करना चाहते तो

जनाब जो हमारी इज्जत है क्या हम लोग बेगरत हैं और इज्जत सिर्फ आप आपकी खान साहब ने बड़ा खुलकर सवाल पूछा कि मैं मैंने कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क के लिए लिहाजा इज्जत सिर्फ आपकी नहीं है हमारी भी है तो क्लियर ये इमरान खान ने स्टांस लिया है फिर इमरान खान ने कहा कि आप माफी की बातचीत करते हैं पहले भी कहा है फिर कहता हूं सीसीटीवी फुटेज से साबित कर दें कि पीटीआई लीडर्स या वर्कर्स ने आग लगाई है उन्हें पार्टी से भी निकालू और उन्हें सजा दिलवाने में आपका साथ दूंगा खान ने कहा आपका साथ दूंगा माफी भी मांग लूंगा आजादाना तहकीकत करवाए और सारी फुटेज कौम को, वीडियो कौम को दिखाएं लेकिन आप तो खुद भी प्रोसिक्यूटर और ज्यूरी बन गए हैं जो काबिल नहीं है और बात खत्म करें उसके बाद खान ने कहा इमरान खान ने कहा कि डीजी आपको पता है कि जिज्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है पीटीआई का ग्राफ रोज बारोज ऊपर जा रहा है और आपका आप पर होने वाली तनकीद से आपका ग्राफ नीचे आ रहा है बांग्लादेश में फौज ने अबाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अपने लोगों का साथ दिया और हमारे यहां फौज हमारी हारी हुई करप्ट जमातों का साथ दे रही है पीटीआई के सामने आकर फौज खड़ी हो गई है जो कि एक गैर मामूली चीज है और इमरान खान साहब के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए था सो खान ने बड़े क्लियर कट एक स्टेटमेंट जारी किए कहा माफी जनाब मैं तब मांगूंगा जब आप जब जाहिर है आप सीसीटीवी वीडियो सामने लेकर और साबित कर दें कि ये सारी चीजें हमने किया क्योंकि हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की